कॉर्न मील दोनों को ऐड किया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे कंपोस्ट है और ये ऑर्गेनिक है, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप प्लांटों में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेड़ पौधों के पत्ते जो है वो झड़ने लगे हैं, इसका मतलब है कि अब जो है हमें गार्डन में गर्मियों के लिए पौधों को तैयार करना होगा। गुलाब की देखभाल इस मंथ में बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है कि जनवरी के एंड तक हमें गुलाब के पौधे में क्या क्या काम कर लेने चाहिए ताकि हमारे गुलाब स्वस्थ रहे और उनमें अच्छे से फूल आते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी भी देनी थी, हमने हमारा ऑनलाइन स्टोर मम्मल बोनसाई बना लिया है जहाँ पर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो मिल सकेंगे। अभी कुछ प्रोडक्ट ही ऐड किए हैं, आप सब एक बार विजिट करके चेक कीजिए कि हमारी वेबसाइट जो है, हमारा ऑनलाइन स्टोर है वो कैसा है और उसके अंदर हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं mammalbonsai.in या फिर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा हमारे ऑनलाइन स्टोर का, तो आप चेक कीजिए और मुझे बताइए उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक, बेयर रूट प्लांटिंग वर्क। अगर आप अपने गार्डन से कोई गुलाब जड़ से निकाल कर पॉट में या कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं या आप ऑनलाइन बेयर रूट प्लांट्स जो है रोज़ के वो लगाना चाहते हैं तो जनवरी के एंड से पहले आप लगा लें, क्योंकि उसके बाद प्लांटों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और उस टाइम पे प्लांट को निकाल कर दूसरी जगह पे लगाना ठीक नहीं है। अगर आप कुछ अलग किस्म के गुलाब जैसे कि रोज़ वाइन या कोई और वैरायटी जैसे कश्मीरी गुलाब आदि आप लेना चाहें तो इस टाइम पे आप ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लांट्स अगर आप गर्मियों में गुलाब के प्लांट्स ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो क्या है, पैकिंग के अंदर रहते हैं तो वो ख़राब होने का चांस होता है, लेकिन इस टाइम पर अगर आप ऑनलाइन प्लांट्स मंगाते हैं तो उसमें आपके प्लांट ख़राब होने का चांस बहुत ही कम होता है। बाकी मैं कुछ गुलाब के प्लांट्स का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको गुलाब ऑनलाइन लेने हैं तो। नंबर दो, प्रून रोज प्लांट। गुलाब को प्रून करने का सही समय है जनवरी का एंड तक का, यानी कि जनवरी के एंड तक आप इसकी प्रूनिंग कर लें ताकि जैसे ही फरवरी आए आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो तेजी से स्टार्ट हो जाए। प्लांट की पत्तियां इस समय पे आपने देखा होगा पीली पीली हो जाती है या उसमें काले काले धब्बे हो जाते हैं, तो ऐसी अगर पत्तियां हो गई है तो उन पत्तियों को रिमूव कर दें और या पूरे प्लांट को भी आप डीफॉलेज कर दें ताकि नई ग्रोथ स्टार्ट हो और आपका प्लांट पूरा हरा भरा हो जाए। सूखी ब्रांच अगर आपके प्लांट में है तो उनको भी रिमूव कर दें क्योंकि आगे चलकर वो फंगस का कारण बन सकती है, तो इस समय पे आप पौधों की कटाई छटाई का जो काम है वो जरूर से कर लें ताकि जैसे ही फरवरी आए पौधों में ग्रोथ अच्छी हो और फ्लोरिंग भी अच्छी हो। प्रूनिंग के लिए आप एक अच्छा टूल का इस्तेमाल करें, अगर आपके पास एक शार्प टूल है तो उसका उपयोग करें। शार्प टूल यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप कट करेंगे वहाँ से कि आपकी जो ब्रांच है वो डाई बैक होने लगेगी और ख़राब हो जाएगी। अगर आपके पास अच्छा प्रूनर नहीं है तो आप एक अच्छा प्रूनर ले सकते हैं या आपको किसी सीड्स की शॉप पर या नर्सरी स्टोर पर मिल जाएगा। आप ऑनलाइन लेना चाहें तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और प्रूनर लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ मार्केट में हल्के प्रूनर आते हैं जो 100-150 तक मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा प्रूनर लेंगे तो ये कि एक बार लेंगे तो काफ़ी टाइम तक आपको परेशानी नहीं होगी। नंबर तीन, अप्लाइंग फंजीसाइड। गुलाब के पौधे खराब होने का एक बड़ा कारण होता है फंगस। फंगस काफ़ी तरह की होती है गुलाब के अंदर, जो पत्तियों में भी आती है, ब्रांचों में भी आ जाती है, रूट्स में भी आ जाती है। पौधे की कटाई छटाई करने के बाद जहाँ जहाँ से आपने कट लगाया है, यानी कि जैसे कि कोई ब्रांच है आपने उसको कट कर दिया, तो जो हिस्सा है कटा हुआ उस जगह पे आप जो फंजीसाइड है उसको लगा दें, उससे उसको सील कर दें, उससे क्या होगा ना तो वहाँ पे फंगस लगेगी और ना ही वो ब्रांच डाईबैक हो, यानी कि वो वहाँ से सूखेगी नहीं। मैंने कुछ दिन पहले ही साफ फंजीसाइड लिया था और मैं अपने पौधों में इसको इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। और मैंने जहाँ जहाँ पर इसको यूज़ किया है वहाँ से जो ब्रांच है ना तो सूखे ना वहाँ पर फंगस की प्रॉब्लम आई है। आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके नज़दीक सीड्स की शॉप पर या नर्सरी स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में आप छोटा पैकेट लें। मैं जो लेके आया था वो आई थिंक 500 ग्राम का था, 50 या 100 ग्राम का पैकेट भी आता है तो वो आप अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। ऑनलाइन इसके छोटे पैकेट मिल जाते हैं, अगर आप छोटा पैकेट लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, 50 या 100 ग्राम का आता है तो वो आप लाकर एक बार ट्रायल बेस पर आप उसको यूज़ कीजिए, आपको जब बेनिफिट लगे तो नेक्स्ट टाइम आप बड़ा पैकेट ले सकते हैं। फंजीसाइड के और भी गुलाब के अंदर काफ़ी यूजेस हैं, जैसे कि आपके गुलाब के लिए जब सोइल मिक्स आप तैयार करें तो उसके अंदर भी फंजीसाइड ज़रूर मिलाएं ताकि उसके रूट्स के अंदर जो है फंगस की प्रॉब्लम ना आए, और इसको पानी के अंदर घोलकर भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि पत्तियों में या ब्रांचों में जो फंगस है वो ना लगे। तो फंजीसाइड गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप गुलाब के प्रेमी हैं, गुलाब के प्लांट आपको लगाना पसंद है तो फंजीसाइड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नंबर चार, फर्टिलाइज़र।
प्रूनिंग करने के बाद पौधों को फर्टिलाइज़र भी ज़रूर करें, क्योंकि फरवरी में पौधे की ग्रोथ स्टार्ट होती है और उस टाइम पे उनको फूड की ज़रूरत होती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और साथ में अगर आपके पास नीम खली और बोन मील है तो वो भी ज़रूर डालें। तो ये दोनों चीज़ें भी आप उसके अंदर मिला कर ऐड कर सकते हैं। हमारे स्टोर पर भी मैंने नीम खली और बोन मील दोनों को ऐड किया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे कंपोस्ट है और ये ऑर्गेनिक है, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप प्लांटों में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ मेरे गुलाब के अंदर। और अगर आप इन सब को यूज़ नहीं कर पाते, जैसे कुछ दोस्त जो है फ्लैट वगैरह में रहते हैं, उनके पास इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है, तो उनके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो इन सारी चीज़ों का एक मिक्सर आता है जिसको रोज़ फूड बोलते हैं, वो ले सकते हैं। रोज़ फूड अब पता नहीं आपके वहाँ पर किस तरह का मिलता है, मुझे नहीं पता है। आप कोशिश कीजिए कि किसी नर्सरी स्टोर पर जाएँ, वहाँ पर पता कीजिए कि रोज़ फूड मिल जाएगा क्या। तो रोज़ फूड पता कीजिए, अगर मिल जाते हैं तो रोज़ फूड की 2 चम्मच 15 दिन में एक बार आप अपने गमले में डाल दीजिए, वो काफ़ी रहेगा। उसके बाद आपको आपके गमले में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका गुलाब अच्छे से खिलेगा और अच्छे से हेल्थी भी रहेगा। और आपके यहाँ पे अगर रोज़ फूड नहीं मिलता है किसी नर्सरी स्टोर पर या आसपास, तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप वो भी ले सकते हैं। नंबर 5, ग्रो कटिंग्स। देखिए, प्रूनिंग करने के बाद जो कटिंग्स हमारी तैयार होती है, यानी कि जो कटिंग बच जाती है, उनको फेंकने से अच्छा है कि आप उनको एज ए कटिंग ग्रो करें। इनकी कटिंग को आप जनवरी के एंड से फरवरी के फर्स्ट तक लगा लें, क्योंकि उसके बाद इसमें जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है और फिर इसकी कटिंग लगाना ठीक नहीं है। आप चाहें तो इंग्लिश गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग के लिए आप वेल ड्रेन सोइल लें और सोइल के अंदर जो है फंगिसाइड ज़रूर मिला लें, ताकि उसके अंदर फंगस की प्रॉब्लम ना आए। और कटिंग पर आप रूट हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं, ताकि रूटिंग जो है वो जल्दी हो। ऐसे समय पर जब आप कटिंग लगाते हैं तो उसको आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ओपन में लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो ठंड है, जो पाला पड़ने वाली ठंड है, वो जनवरी के एंड तक ख़त्म हो जाती है, नहीं गिरती है। वैसे ही अगर गिरता भी है तो हल्का कोहरा होता है, बाकी इतनी तेज़ ठंड नहीं होती कि आपकी कटिंग्स को नुकसान होगा। और आपके एरिए में अगर फिर भी आपको लगता है कि बर्फ़ गिरती है, तो आप उसको कवर कर दें। गुलाब की कटिंग कैसे लगाते हैं, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपने गुलाब की केयर अगर इस टाइम पे कर लेंगे, तो आपको क्या है, गर्मियों में ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरा प्लांट ख़राब हो गया, मेरे प्लांट पे फूल नहीं आ रहे। क्योंकि सही समय पर अगर आप सही अच्छे से प्लांट की केयर करते हैं, तो आपको बाद में इन सब क्वेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीडियो को अच्छे से फॉलो करके अपने गुलाब की केयर करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आपका फेवरेट गुलाब कौन सा है, जैसे कि देसी गुलाब है, इंग्लिश गुलाब है, क्लाइंबिंग रोज है, तो आपका फेवरेट गुलाब कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपने गुलाब में कौन सा खाद यूज़ करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।